उन्नाव बांगरमो के अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर के इस फर्जी जांच केंद्र को ध्यान से देख लीजिए, कहीं आप भी ना बन जाए इसका शिकार। उत्तर प्रदेश में फर्जी जांच केंद्रों का भरमार सा आ गया है, जहां देखो वहां जांच के नाम पर जनता के जान माल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन है कि कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी ए न्यूज की टीम लगातार स्टिंग के द्वारा यूपी में फर्जी जांच केंद्रों का पर्दाफाश करने में लगी हुई है, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार और अफसर शासन प्रशासन इसे देखकर अपनी कुंभकर्णी नींद खोल लें। मगर यूपी का स्वास्थ्य महकमा और योगी सरकार इस मामले पर कितना सख्त है, ये आज हमारी इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में यूपी के उन्नाव के बांगरमो में संचालित एक ऐसे ही फर्जी जांच केंद्र का पोल खोलने वाले हैं। थोड़ी देर रुकिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे योगी सरकार के नाक के नीचे और उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों की मिली भगत से ये फर्जी जांच केंद्र जनता के जान माल के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल हमें हमारे सूत्रों से ये खबर मिली कि उन्नाव के बांगरमो में अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर नाम से एक फर्जी जांच केंद्र धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। इस बाबत हमारी ए न्यूज टुडे की टीम निकल पड़ी उन्नाव के बांगरमो ये जानने के लिए कि आखिर इस खबर में कितना दम है। जब हमारी टीम ने उन्नाव के बांगरमो स्थित इस जांच केंद्र पर स्टिंग ऑपरेशन किया तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ये जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग के तमाम मानकों को ताक पर रखकर बेरोक टोक के फर्जी जांच केंद्र संचालित हो रहा है, जबकि जांच केंद्र के रिपोर्ट पर जिस डॉक्टर के हस्ताक्षर हैं वो डॉक्टर जांच केंद्र में मौजूद ही नहीं था, बल्कि उसकी जगह उसके नाम पर कोई और ही जांच पर बैठा था। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से हमें ये भी पता चला कि ये जांच केंद्र सरकार द्वारा तय रेट में जांच करने की जगह मरीजों से मनमाने पैसे जांच के लिए वसूलता है। अब सवाल ये है कि अगर इस फर्जी जांच केंद्र के इस फर्जीवाड़े में किसी मरीज की जान जाती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उन्नाव का स्वास्थ्य विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा या फिर उन्नाव के डीएम या सीएमओ साहब इसके जिम्मेदार होंगे? हालांकि सही मायनों में इसका जिम्मेदार योगी सरकार और पूरा यूपी का स्वास्थ्य विभाग है, जिसकी देखरेख में इतना बड़ा खेल जनता जनार्दन के साथ हो रहा है। जहां एक और बात ध्यान देने वाली है कि हमारे चैनल की तरफ से ऐसे जांच केंद्रों पर स्टिंग ऑपरेशन लगातार कर खुलासा कर रहा है, चाहे फिर वो उन्नाव हो, श्रावस्ती हो या फिर आज जो हमने आपको उन्नाव के बांगरमो का मामला दिखाया। मगर सरकार और प्रशासन जिस तरीके से इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हैं और गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहा है, उससे ये साफ हो जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन से वोट लेने के बाद योगी सरकार को इनकी परेशानियों से कोई भी मतलब नहीं है। अब जो सरकार का ही यही हाल है तो उसके नीचे बैठे डीएम और सीएमओ जैसे जिम्मेदार अधिकारियों का क्या हाल होगा, इससे आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कल को कहीं आप ऐसे फर्जी जांच केंद्रों का शिकार ना बन जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से चंद कदमों की दूरी पर एक जिला उन्नाव है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि उन्नाव इतना खास क्यों है, क्योंकि उन्नाव में एक मेडिकल माफिया जिसका साम्राज्य उन्नाव से लेकर हरदोई और कन्नौज तक है, ऐसे ही अनेक जिलों में फैला हुआ है जिनमें ये मेडिकल विभाग में पैठ बनाए हुए हैं। इसका सिक्का इतना जबरदस्त चलता है कि जब चाहे किसी को भी अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक खुलवा सकते हैं, बस पैसे होने चाहिए। इन मेडिकल माफियाओं को जरा भी शर्म नहीं आती कि अप्रशिक्षित डॉक्टर जिनके पास केवल इस बात का प्रशिक्षण है कि मरीज को मृत्यु की राह कैसे दिखा सके, इसके दर्जनों अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं जिनको ये अप्रशिक्षित लोगों को ठेके पर दे रखा है और हर महीने तय रकम भी देते हैं। बस इन माफियाओं को करोड़ों रुपए चाहिए, क्योंकि इन्हें जरा से भी शर्म नाम की चीज नहीं है। पैसा और रसूख इतना है कि जिले के अधिकारी इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि सीएमओ साहब भी रोज इसकी पूजा करते हैं, तभी तो कुर्सी पर बैठते हैं। सीएमओ साहब को जरा भी खौफ नहीं है, वो तो बस चंद पैसों के लिए अपना इमाम बेचने के लिए तैयार रहते हैं। हम इस मेडिकल माफिया की परत दर परत सारी पोल खोलने वाले हैं। जहां उन्नाव के शुक्लागंज में इसके द्वारा संचालित परफेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि अप्रशिक्षित लोगों के हाथों में दे रखा है, अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब की केवल डिग्री ही सभी मरीजों की जांच करती है। ये बात हैरान कर देने वाली है कि डॉक्टर साहब की डिग्री खुद कैसे हर जगह पहुंच जाती है, क्योंकि डिग्री 2 से 3 जगह अक्सर देखने को मिलती है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि आखिर डॉक्टर साहब हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। लगता है सीएमओ साहब से मेडिकल माफिया की काफी अच्छी पकड़ है, इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर होते हैं, वो जांच करते हैं, उसकी जगह कोई और अप्रशिक्षित व्यक्ति को बैठा देते हैं जो मरीजों की जान लेने पर आमादा रहते हैं। इनका कौशल देखने लायक होता है कि मरीज की रिपोर्ट भी गलत हो जाती है, जिसमें जांच के नाम पर केवल पैसे दिखाई देते हैं। शुक्लागंज के परफेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर में इसकी पैथोलॉजी है,
जिसमें ब्लड की जांच होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। डॉक्टर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, उन्नाव के डीएम साहिबा और सीएमओ साहब इतना बेखबर हैं कि इनको पैसे के रसूख के आगे मरीजों की जान की वैल्यू जीरो नजर आती है। ए न्यूज टुडे लगातार इस न्यूज को पुख्ते से चला रहा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अफसर के कानों में लू नहीं रेंगती। पता नहीं किसका दबाव या फिर डर सता रहा है। लगता है उन्नाव के सीएमओ साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के नियम और कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नियम और कानून तो सीएमओ साहब के पैरों के नीचे दब चुके हैं। इससे पहले ए न्यूज टुडे की खबर का असर होने के बाद प्रशासन नींद से जगा था। इसी मेडिकल माफिया का हरदोई में संचालित यूनाइटेड अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज हो चुका था, लेकिन सीएमओ साहब की मेहरबानी के चलते फिर से वो खुल गया। वही है जो पहले सीज करते थे, वो अभी भी सीज करवाने का काम कर रहे हैं। मेडिकल माफिया का नाम और फोटो जल्दी ए न्यूज टुडे पर आपको देखने को मिलेगी और इनकी सारी काली करतूतों को परत दर परत ए न्यूज टुडे आपको जल्द ही दिखाएगा। बात शुक्लागंज के परफेक्ट डायग्नोस्टिक सेंटर का है, जहां हजारों की संख्या में अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन डीएम साहब के पास केवल चार ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। एक बार फिर उन्नाव की डीएम साहिबा और सीएमओ से गुजारिश है कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हालात का आकलन करना मुश्किल हो जाएगा। खैर देखते हैं कि कब इनकी नींद खुलती है। सीएमओ साहब तो सीएमओ साहब है, वो तो अपना राज चलाते ही है। ए न्यूज टुडे की खबर का जब असर हुआ तो अल्फा अल्ट्रासाउंड तो सीज करने गए थे, लेकिन चाय नाश्ता करके वो वापस चले आए। सूत्रों से पता चला कि किसी बड़े नेता का दबाव और फोन आने के कारण बिना सीज किए वो वापस लौट आए थे।